कसौटी में वापसी को लेकर हिना का आया बड़ा बयान। कसौटी 2 के मेकर्स जल्द ही शो में कोमोलिका की एंट्री करवाने वाले हैं, लेकिन शो में कोमोलिका के रोल पर काफी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट्स ने बताया गया कि हिना अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं, जिसकी वजह से वह कोमोलिका के किरदार में वापसी नहीं कर पाएंगी। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि कसौटी के मेकर्स अब नई कोमोलिका की तलाश में जुट गए हैं, लेकिन फिर भी फैंस बस यही प्रे कर रहे थे कि ये सारी खबरें झूठी निकले और कोमोलिका के रोल में हिना की ही वापसी हो। मगर लगता है हिना के फैंस का दिल अब टूटने वाला है, क्योंकि कसौटी में वापसी को लेकर हिना की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में हिना ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी और ये साफ कहा है कि वो अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं, जिसकी वजह से वो कसौटी में वापसी नहीं कर पाएंगी। साथ ही हिना ने आगे कहा कि यू नेवर नो व्हाट द फ्यूचर हैज इन स्टोर फॉर यू। वेल, हिना की इन बातों से तो बिल्कुल साफ है कि वो कसौटी में वापसी नहीं करेंगी। तो वही लेटेस्ट रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नई कोमोलिका के रोल के लिए टीवी की दो फेमस एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और गौहर खान को अप्रोच किया गया है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक गौहर और करिश्मा ने कोमोलिका के कैरेक्टर के लिए लुक टेस्ट भी दे दिया है। साथ ही दोनों एक्ट्रेसेस ने इस नेगेटिव रोल के लिए ऑडिशंस भी दिए हैं, जिसके बाद दोनों एक्ट्रेसेस के लुक टेस्ट और ऑडिशंस को देखने के बाद मेकर्स इन दोनों एक्ट्रेसेस में से किसी एक एक्ट्रेस को कोमोलिका के रोल के लिए फाइनल कर सकते हैं। वेल, अब नई कोमोलिका के लिए मेकर्स किस नए चेहरे को कास्ट करते हैं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस न्यूज को सुनने के बाद कहीं ना कहीं हिना खान के फैंस जरूर निराश होंगे, जो बेसब्री से कसौटी में उनके एंट्री का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल तो आप भी हमें जरूर बताइए कि हिना के इस बयान के बाद आप कितने सैड हैं। साथ ही कोमोलिका के रोल में आप किस एक्ट्रेस को देखना पसंद करेंगे? शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन।